गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप एवरी वन इज़ फाइन एट होम स्टूडेंट्स टूडे वी स्टार्ट चैप्टर नाइन अवर होम होम मीन्स हम सब का घर ओके okay, बच्चे वी ऑल लिव इन हाउसेज द हाउस इन विच वी लिव विद अ फैमिली इज कॉल्ड होम इट मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने घर के सभी मेम्बर्स के साथ रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं होम होम मीन्स हम सबका घर लिविंग टुगेदर टीचेस अस टू लव वन एंड अदर इट मीन्स इकट्ठे रहना हमें क्या सीख देती है क्या सिखाता है कि एक दूसरे को प्यार करना इट आल्सो टीचेस अस टू शेयर वर्क एंड थिंग्स इन अवर होम प्लस हमें क्या सिखाती है कि हम एक दूसरे को कैसे थिंग्स को शेयर करें कैसे वर्क को शेयर करें इकट्ठा रह के ओके देर आर मैनी रूम्स इन अवर होम ईच रूम हैज़ डिफरेंट यूज बच्चे हमारा घर होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम होते हैं सब ने आपने देखे हैं ठीक है ठीके? और इन सब का डिफरेंट यूज़ होता है फर्स्ट वन इज ड्राॅंग रूम ड्राइंग रूम क्या होते हैं जब हम ड्राइंग करते हैं नो ड्राइंग रूम होता है वी सी टैन टॉक टू अ गेस्ट इन द ड्राइंग रूम ऐसा रूम जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है उसे हम सेपरेट बैठाते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसे हम क्या बोलते हैं ड्राॅइंग रूम ओके बच्चे वी आल्सो लिसन टू म्यूजिक और वॉच टेलीविजन एंड अर ड्राइंग रूम हम लोगों ने क्या किए होते हैं जो म्यूज़िक सिस्टम होते हैं टेलीविज़न होता है हम लोग ने ड्राइंग रूम में रखा होता है कि यहाँ किसी को कोई दूसरे पर्सन को कोई डिस्टर्बेंस ना हो हम कितने भी वॉल्यूम रख के वहाँ पे बैठ सकते हैं ओके नेक्स्ट वन इज़ स्टडी रूम स्टडी रूम क्या होता है बच्चे वी रीड एंड डू अवर होमवर्क इन द स्टडी रूम जो भी हमारा होमवर्क होता है हम स्टडी रूम में बैठ के पढ़ते हैं मीन स्टडी रूम वो रूम है जहाँ पर हम अपनी स्टडी को करते हैं नेक्स्ट वन इज़ किचन आई थिंक यू नो वेरी वेल वी कुक अवर फूड इन द किचन यहाँ पर हम सबकी मम्मा हमारे लिए ये भी फूड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं किचन ठीक है वी मस्ट एंड सॉरी वी इट अवर मील्स इन द डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम क्या हो गया जहाँ पे हम बैठ के अपना खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डाइनिंग रूम और डाइनिंग एरिया ओके नेक्स्ट वन इज़ बेडरूम बेडरूम क्या होता है वी बेस्ट सॉरी वी रेस्ट एंड स्लीप इन अवर बेडरूम हाँ जहाँ पर हम सोते हैं और रेस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेडरूम ओके नेक्स्ट वन इज बाथरूम बाथरूम क्यों होता है वी टेक अ बाथ इन अवर बाथरूम आप सबको पता है बाथरूम सबने देखे नेक्स्ट वन बच्चे नेक्स्ट वन वी शुड कीप अवर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस बच्चे हम सबको अपने थिंग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखना है वी शुड कीप अवर क्लोथ एंड बुक्स इन द कबर्स एंड ऑन द शेल्फ जो भी हमारा सामान होता है हम सबको कबर्स में रखना है एलमीर में रखना है प्रॉपर शेल्फ पे रखना है वी मस्ट कीप अवर होम नीट एंड क्लीन ठीक है हम सबको अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन रखना है और हम सब बच्चों को अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है कि हम अपना घर को नीट एंड क्लीन रखें ओके okay, बच्चे तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर अवर होम इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ कॉल मी और मैसेज मी आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ दिस एक्सरसाइज शीट्स आल्सो ओके थैंक यू